स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल, जिसका फर्स्ट लेक्चर आज मैं आपको डिलीवर करने जा रही हूँ। तो जनरली हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंस दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को हमने फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स की। तो स्टार्ट करते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स के बारे में आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी थोड़ा बहुत था, वो भी पढ़ा है। तो मेटल्स जो है, मेटल्स क्या है? द एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, सभी फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। मेटल्स क्या है? मेटल वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। हमारे पास 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स, जिसमें 92 एलिमेंट जो हैं वो नेचुरल हैं, और इन 92 एलिमेंट्स में 70 एलिमेंट जो हैं वो मेटल्स और बाकी जो हैं वो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक की बात हो रही है। इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो मैनमेड हैं, टेक्नीटियम है जैसे, लेकिन फिर भी हम कंसिडर करते हैं 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरल हैं, और उन नेचुरल एलिमेंट्स में 70 जो है वो मेटल और 22 जो है वो नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं? मेटल्स की हम बात करें तो जो कंस्टिट्यूएंट है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेटल are held together by metallic bond। कंस्टिट्यूएंट का क्या मतलब हो गया? यानी जो एटम्स हैं, जो एटम है मेटल के, उनके बीच में कैसी बॉन्डिंग पाई जाती है? मेटलिक बॉन्ड पाया जाता है। मेटलिक बॉन्ड क्या है, अभी मैं आपको समझाती हूँ। जो मेटल्स हैं, मेटल कंस्टिट्यूट दी 78% अप्रॉक्स ऑफ टोटल एलिमेंट्स। टोटल एलिमेंट्स में लगभग 78% जो है वो मेटल्स पाए जाते हैं। दे आर प्लेस्ड इन लेफ्ट हैंड साइड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल सभी ने देखा हुआ है। पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो क्या कहलाते हैं? वो मेटल्स हैं। राइट हैंड साइड पर, एक्सट्रीमली राइट पर जो है वो नॉन मेटल कहलाते हैं, और उसी के बीच में एक zigzag लाइन आती है जिसे हम बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स कहते हैं, सेमी मेटल कहते हैं, या फिर मेटलॉइड कहते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मेटल की क्या प्रॉपर्टीज हैं। और मेटल की प्रॉपर्टीज बताने से पहले मैं डिस्कस करूंगी इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, हम बात कर रहे हैं यहां अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पहले बताने से पहले हम करने जा रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ सी से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं यहां पर। तो एक्चुअल में क्या है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है हम अगली वीडियोस में इसको डिटेल से करेंगे, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ आपको कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। कम से कम कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी एक गैसियस स्टेट से किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, वो क्या कहलाती है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और जो आयोनाइजेशन एनर्जी है मेटल्स की वो लो होती है। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लूजली हेल्ड, वो क्या है, लूजली हेल्ड होते हैं। तो क्या होगा, इसको अगर कंसिडर किया जाए कि हमारे पास जैसे C है, तो C में क्या है, हम कंसिडर कर रहे हैं, जब एक मेटल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए मेटल है और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज आयन बना दिया और ये इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है इसे हम कहते हैं कर्नल। और ये हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो ये लूज करेगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये हमारे पास आ गया कर्नल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कर्नल इलेक्ट्रॉन, कर्नल इलेक्ट्रॉन, जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी दे कैन बी वेल एक्सप्लेन अगर हमें इलेक्ट्रॉन सी मॉडल समझ में आ जाए। तो ये मान लीजिए एक पॉन्ड है, एक सी है, जैसे सी वाटर में अब हम कंपेयर करते हैं, ये तो हमारे पास क्या आ गए, ये कर्नल आ गए और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसे हम फिश की तरह कंसिडर कर सकते हैं, और ये जो कर्नल्स हैं इन कर्नल्स को हम पेबल्स और स्टोन्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं। जैसे स्टोन्स जो है दे आर फिक्स इन देयर पोजिशन, वो इतना मूव नहीं करते, एंड द फिशेज दे कैन मूव हियर एंड देयर इन सी वाटर और पॉन्ड वाटर। तो उसी तरीके से क्या है, ये कर्नल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये लाइक फिशेज दे कैन मूव हियर एंड देयर, ये मूव कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे, इसी मोबाइल इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट के बेस पे हम ये सारी जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। और जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, द साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स is called metallic bond। इसे ही हम, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज की। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले नॉर्मल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं क्या है, कि अगर स्टेट की बात करें कि जो मेटल्स हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो मेटल्स हैं दे आर सॉलिड, लेकिन हमें पता है कि एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इज देयर, और एक्सेप्शन सभी को पता है, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, मरकरी, मरकरी जिसका सिंबल Hg है, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और भी कुछ मेटल्स हैं लाइक सीजियम एंड गैलियम, सीजियम एंड गैलियम, दे लिक्विफाई जस्ट अबव रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर हम क्या लिखते चलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज अप्रॉक्स 28 टू 29 डिग्री सेल्सियस। तो 28 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा ये क्या हो जाएंगे, ये लिक्विफाई कर जाएंगे, ये मेल्ट कर जाएंगे, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करने लगते हैं। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी जो लेटेस्ट पेपर आया था हमारा सीबीएसई का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन से मेटल्स हैं जिन्हें अगर हम अपनी हथेली पे रखें तो वो मेल्ट हो जाते हैं। ऑन प्लेसिंग ऑन योर पाम दे मेल्ट। क्यों मेल्ट कर जाते हैं? क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 28 डिग्री सेल्सियस और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? सीजियम और गैलियम आना चाहिए। गैलियम की खास बात और एक बता दूं मैं आपको कि गैलियम जो है, गैलियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसके कारण इट इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मामीटर। ये हाई टेम्परेचर थर्मामीटर बनाने के काम आता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये बात भी ध्यान रखनी है कि वो कौन से मेटल हैं जिन्हें अगर हम अपने पाम पर यानी हथेली पर प्लेस करें तो वो मेल्ट हो जाते हैं। वो मेटल जो रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो अपने पास क्या है? मरकरी है। तो पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, क्या वो रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है या जस्ट अबव रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है, उसके हिसाब से हमारे ऑप्शन जो है वो चेंज हो जाएंगे। दूसरी हम बात करते हैं इनकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस की, कि जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं। तो सभी को पता मेटल्स दे आर हार्ड, मेटल्स दे आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं। क्यों हार्ड होते हैं? दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है जैसे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम सभी ने देखा है लैब में। सोडियम कैसा है, पोटेशियम कैसा है? दे कैन बी, ये इतने सॉफ्ट हैं, दे कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। सॉफ्ट है जिसके कारण क्या होगा, इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं ये। और अगर बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, तो मेटल्स दे हैव, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये भी बताने की जरूरत नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड पाया जाता है। कुछ मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट लो पाए जाते हैं, जैसे अभी हमने सीजियम गैलियम की बात की। तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जहां से क्वेश्चन अराइज होता है तो वो क्या है अपने पास? टंगस्टन। टंगस्टन का जिसका सिंबल जो है W है, वॉल्फ्रेन इसका लैटिन नेम है। तो ये जो है टंगस्टन, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा मैक्सिमम होता है, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, राउंड अबाउट 3414 डिग्री सेल्सियस। तो मेटल्स की जनरली क्या बोला हमने कि मेटल्स का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हमारे पास क्या आता है? टंगस्टन की बात आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेंसिटी की, कि मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है, तो मेटल्स जो हैं, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट की, मेटल्स दे हैव, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। डेंसिटी हम सभी को पता है, डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेटल्स की डेंसिटी जो है वो हाई होती है। और अगर हम मैक्सिमम डेंसिटी की बात करें, मैक्सिमम डेंसिटी किस मेटल की होती है? तो मैक्सिमम डेंसिटी होती है ऑस्मियम की, ऑस्मियम। और इसकी डेंसिटी होती है अप्रॉक्स 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इरीडियम जो है, इरीडियम की भी डेंसिटी, इरीडियम की डेंसिटी भी लगभग इतनी ही पाई जाती है और ये है 22.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मेटल्स दे हैव हाई डेंसिटी, मैक्सिमम डेंसिटी का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो हम ऑस्मियम की बात करेंगे 22.59 और इरिडियम भी लगभग इतना ही पाया जाता है 22.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेटल्स हम सभी को पता है मेटल्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या है, metals are good conductor of electricity, they are good conductor of electricity। best conductor हमें पता है, best conductor of electricity क्या है, silver। और फिर बारी आती है copper की और aluminium की। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर की बात करें हम तो पुअर कंडक्टर में हमारे पास आ जाता है लेड और मरकरी। ठीक है, क्वेश्चन अराइज होता है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी वाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से क्या देखा कि किसी भी मेटल लैटिस में, किसी भी मेटल क्रिस्टल में कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच कैन मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकते हैं, इन एनी डायरेक्शन। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, डायरेक्शनल flow of electrons take place। this directed flow of electron carry electricity from one point to another। जब ये डायरेक्शनल फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे कैरी द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और इस तरह से मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसी में अगर हम करें कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, तो इसी में एक छोटा सा टॉपिक करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से जो कर्नल्स थे, द कर्नल्स ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। अभी हमने इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में कर्नल्स देखे, मैंने आपको बताया कि हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल फिशेस की तरह दे कैन मूव हियर एंड देयर, और जो कर्नल्स हैं वो अपनी पोजीशन पर हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये कर्नल्स भी क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट वाइब्रेशन, और इनके वाइब्रेट करने से होगा क्या, इट विल इंटरफेयर द मूवमेंट ऑफ electron and hence electrical conductivity जो कि movement of electrons पे depend कर रही थी will also decreases। जो electrical conductivity है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी decrease कर जाएगी। अब हम बात करते हैं thermal conductivity की। थर्मल कंडक्टिविटी, अब थर्मल कंडक्टिविटी की बात जब हम कर रहे हैं तो हमें फिर से वही बात कि मेटल्स कैन कंडक्ट हीट ऑल्सो। कॉपर का एग्जांपल है हमारे पास कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, तो क्यों कंडक्ट कर सकते हैं ये हीट को, व्हेन अ मेटल सरफेस, सब इनका रीजन भी क्या है, इसका रीजन भी क्या है, free electrons. When a metal surface is heated, इस प्रोसेस को समझो कि जब मेटल सरफेस को हीट किया जाता है, देन दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्ट, उस पार्ट की काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्ट विल इंक्रीज, उस पार्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी. एंड दी एनर्जाइज्ड, ये एनर्जी किसको ट्रांसफर होगी, इलेक्ट्रॉन्स को. द एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन will pass this excess energy to the cooler part and hence conduct the heat throughout the metal. सिंपल सी बात है कि जब हम मेटल सरफेस को हीट करेंगे तो वहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगी. इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन है, जिनकी एनर्जी बढ़ चुकी है, वो क्या करेंगे, इस एक्सेस एनर्जी को कूलर पार्ट में सेंड करेंगे, देन नेक्स्ट कूलर पार्ट, और थ्रू आउट द मेटल जो है वो कंडक्ट होती रहेगी हीट. अगली बात हम करते हैं मेटलिक क्लस्टर की. हम सभी को पता है कि मेटल्स जो है दे आर लस्ट्रस इन नेचर. 6th जो भी पॉइंट है, मेटलिक लस्टर. अब लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइनी सरफेस. मेटल दे हैव शाइनी सरफेस होती है, चमक होती है मेटल में. तो ये मेटलिक लस्टर क्यों पाया जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात यहां पर भी हो रही है. डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है जिनकी पोजीशन फिक्स ना हो. तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा है, क्या होगा, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मेटल, इलेक्ट्रॉन विल gain photon of light and starts vibrating. अब जब ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा, दे विल एमिट रेडिएशन. और ये जो एमिशन ऑफ रेडिएशन है कॉजेस lustrous नेचर ऑफ मेटल. इसीलिए मेटल जो है वो शाइन करते हैं, उनकी जो सरफेस होती है वो लस्ट्रस होती है. क्यों, क्योंकि क्या कहता है कि जब लाइट फॉल होगी किसी मेटल सरफेस पे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल गेन दी फोटोन ऑफ लाइट एंड दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. वाइब्रेशन करते दौरान वो रेडिएशन एमिट करेंगे और जो रेडिएशन एमिशन होगी उसके कारण क्या होगा, उनका लस्ट्रस नेचर पाया जाएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मेटल्स हैं दे आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल. malleable and ductile nature. तो malleability क्या होती है, malleability होती है to beaten into thin sheets, मतलब पीट कर पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है. और ductile का मतलब क्या होता है, drawn into thin wires. They can be stretched into thin wires. क्वेश्चन उठता है कि मेटल्स जो हैं वो हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल क्यों होते हैं. तो इसका रीजन क्या है, जो मेटलिक बॉन्ड है, मेटलिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, और जिसके कारण क्या होगा, द मेटल कैन बी स्ट्रेच्ड, बीटन मीन्स दे आर malleable and ductile, और highly malleable and ductile, highest malleability जो है most malleable की बात करें हम, most malleable metal की बात करें, most malleable and ductile की, तो हमारे पास हमने पढ़ा है ये गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर जो है वो मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल है। और गोल्ड के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू 2 किलोमीटर ऑफ वायर। इतना ज्यादा डक्टाइल होता है, इतना ज्यादा ये डक्टाइल होता है, इसलिए 1 ग्राम वो क्या है 2 किलोमीटर की वायर में कन्वर्ट हो सकता है, इतनी ज्यादा डक्टिलिटी है इसकी। एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स आल्सो। और फीचर्स की बात करें तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। बाकी फीचर्स मैं यहां डिस्कस कर चुकी हूं। अब हम बात करेंगे मेटेलिक सीरीज की, कि अगर मुझे मेटेलिक एक्टिविटी, हाईली मेटेलिक कौन है, उससे कम कौन है, अगर मुझे ये याद करना है तो एक शॉर्टकट मैं आपको यहां बताती हूं, और वो शॉर्टकट क्या है, PSBC मेजेंटल छाप। याद रखने का तरीका है बस, PSBC, P मीन्स पोटेशियम, ये इनकी मेटेलिक एक्टिविटी के हिसाब से है। S मीन्स सोडियम, B मीन्स बेरियम, C मीन्स कैल्शियम। इसकी बात करें तो M मीन्स मैग्नीशियम, A फॉर एल्यूमिनियम, Z for zinc, N for nickel, T for tin, and L for lead। M magnesium, aluminium, zinc, I रह गया बीच में, I for iron, I iron, N nickel, T for tin, L for lead। और छाप में सी की बात करें तो यहां सी स्टैंड्स फॉर कॉपर, एच स्टैंड फॉर मर्करी, उसके सिंबल के हिसाब से लिया है मर्करी, ए फॉर सिल्वर, अगेन ए फॉर गोल्ड, और पी फॉर प्लैटिनम। और एक्टिविटी सीरीज में आप सभी ने देखा है कि कॉपर से पहले यहां पर हाइड्रोजन जो है वो प्लेस किया गया है, हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस एलिमेंट के तौर पर यह लिया गया है, जबकि ये एक नॉन मेटल है, ये जो है नॉन मेटल है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप ये सीरीज याद कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में जब हम मेटलर्जिकल प्रोसेसेस करेंगे, इसके बाद जो टॉपिक्स आएंगे उसमें मेटलर्जी भी आएगी, उन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में मेटल को ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। इसके थ्रू हमें हेल्प मिलती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस करने में भी, कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी कुछ मेटल्स की जो मैंने आप सबके सामने डिस्कस की। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आई होंगी, इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ें, कोई दिक्कत लगती हो तो मुझे जरूर बताएं, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।